आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। तेतरी देवी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 200 रोगियों का हुआ मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन। गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के घोसिया गांव स्थित शंकर नेत्रालय में रविवार को इंजीनियर स्वर्गीय शंकर चौधरी की चौथे पुण्यतिथि पर मोतियाबिंद का फ्री ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर तेतरी देवी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा शंकर नेत्रालय में आयोजित हुआ, जिसमें सिवान के मशहूर नेत्र सर्जन डॉक्टर शरद चौधरी ने शिविर में आए लगभग 500 रोगियों की जांच कर 200 रोगियों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया। शिविर में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता चौधरी ने सैकड़ों महिलाओं का स्वास्थ्य जांच किया तथा 7 महिलाओं का बंध्याकरण का ऑपरेशन किया। श्रद्धांजलि सभा में हथुआ विधायक राजेश कुमार सिंह, मुखिया बिट्टू राय, पूर्व जिला पार्षद दिग्विजय बैठा, ट्रस्ट के अध्यक्ष व सिवान के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामाजी चौधरी, सचिव डॉक्टर शरद चौधरी, कोषाध्यक्ष सुभाष चंद्रा, कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर संगीता चौधरी, डॉक्टर अलका सोनी चौधरी, डॉक्टर मधुरेश कुमार, डॉक्टर रामानंद प्रसाद यादव, सजल कुमार, सुशीला यादव, पूनम यादव, कुमारी संपूर्णा यादव ने इंजीनियर स्वर्गीय शंकर चौधरी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। शिविर में रिंकू देवी, संतोष यादव, वीर बहादुर चौधरी, पारा मेडिकल स्टाफ में जादूगर विजय, दिलीप चौधरी, शंभू गुप्ता, माझी कुमार, बिक्की चौरसिया, निकेत कुमार, धीरज कुमार, निशा कुमारी, पूजा कुमारी, सुनीता कुमारी, जितेंद्र सिंह, सुमित कुमार, ब्रिज किशोर, रहमान, जितेंद्र कुमार का सराहनीय सहयोग रहा। एक साल से धाद है, उम्र हो गया है 35 साल, है? तो आप कुछ वैक्सीन ली है कैंसर ना हो उसके लिए? तो फिर इतना पुराना बीमारी का तो फिर कैंसर हो जाए तो रात में वो जात रहा रहुआ ना पैप स्मियर के जांच करे ले बने ना रहुआ जांच करो ले बायोप्सी के जो नहीं दिखाने को किस डॉक्टर से दिखाए हैं आप? कौन डॉक्टर? बचने से डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टर नहीं है, होम्योपैथी, होम्योपैथिक दिखाए हम लोग, एलोपैथिक है, ठीक है। तो आपको पहले जांच कराना चाहिए कि कैंसर है कि नहीं, अगर नहीं है तो वैक्सीन ले लीजिए, जैसे कोरोना का वैक्सीन होता है वैसे कैंसर का वैक्सीन, 3 डोज ले रहा होता है, एक अभी लिए, एक एक महीना बाद और 6 महीना बाद, ठीक है। हाथ को मजाक मत समझिए क्योंकि बचदानी का कैंसर हो सकता है। समझ रहे, पहले शुगर का जांच करा लीजिए। सही सिस्टर, स्पेक्ट्रम नहीं हो गया है यहाँ, लिटा के चेक कहाँ करेंगे? लिकोरिया ऐसे नहीं पता चलेगा, बचदानी के अंदर मसाला डाल के देखना होगा, घाव है नहीं है कैसा है, समझ रहे हमने के बदनामी हो जाए, नीमन से ऑपरेशन ना करनी जाए, ऐसा साफ साफ बता दे। आज ऑपरेशन करावे के बाद, आज करावे के बाद ये बड़ा हर्ष की बात है कि सिवान में कुछ गिने चुने स्कूल हैं जिनको सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, उसमें एक हमारा भी स्कूल आरसीएच पब्लिक स्कूल है और बहुत अच्छा स्कूल वो बना हुआ है और टीचर लोग भी काफी क्वालिफाइड आए हुए हैं, कुछ लोगों की खोज जारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी उत्कृष्ट शिक्षा हम लोग आपको सिवान में देंगे। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में कुछ छोटा मोटा प्रयास जो है वो सफल रहा, तो हम लोग पूरे घर में सारे लोग चिकित्सक ही हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, तो ये निर्णय लिया गया कि इस अस्पताल की भी स्थापना बहुत पहले की गई थी कि यहाँ पे एक संडे को सारे परिवार वाले लोग आएंगे और मरीज देखेंगे, लेकिन ये संभव नहीं हो सका, तो ये प्लान हम लोगों का थोड़ा सा फ्लॉप हो गया।
कुछ दिनों के बाद मेरे मन में ये बात उठी कि क्यों नहीं आँख से शुरुआत किया जाए। आँख के मरीज लोगों को इलाज करना, देखना सब बहुत सरल है, भर्ती करने की जरूरत नहीं है या कोई और भी परेशानी नहीं है। और उस ये में हम लोग ज्यादा लोगों को लाभान्वित करेंगे। तो इस अस्पताल की स्थापना की गई जो अपने अपने तीसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आप 2 साल तक बिल्कुल निशुल्क यहाँ पे चिकित्सकीय कार्य किया जाता था। 2 साल के बाद ये देखा गया कि लोग यहाँ पे जो हम लोग पर्ची देते थे तो उसकी इज्जत नहीं करते थे, लोग बाहर ले आके फेंक देते थे या जिनको जरूरत नहीं भी थी वो